एक ऐसा चेहरा है जिनके बारे में बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग, अपने बेहतर ढंग के अभिनय के लिए जाने जाते हैं। बड़ी हिट फिल्मों के बारे में बात होती है तो सोचना पड़ जाता है लोगों को, लेकिन वो नाम किसी से अनजान नहीं। और वो है दिवाली के मौके पर जल्द लेकर आ रहे हैं फिल्म हाउसफुल 4 को लेकर बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल। देओल परिवार के वो चहेते जो कि धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं, सनी देओल के छोटे भाई हैं। धर्मेंद्र जितना प्यार बॉबी देओल से करते हैं उतना ही प्यार सनी से, लेकिन सनी की जिंदगी में बॉबी देओल उनके छोटे बेटे के समान है। उन्हें वो हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार देते आए हैं। खैर, यहां पर पारिवारिक नहीं बात हो रही है बॉबी देओल की अपनी जिंदगी के बारे में। बॉबी देओल के बारे में आपने तमाम बातें सुनी होगी। बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जिन्होंने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई। इसके बावजूद बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री से हटकर कभी भी खुद को अकेला नहीं रखा और ना ही वो आराम फरमाते नजर आए। यही नतीजा निकला कि बॉबी देओल आज फिल्मों में बड़े अभिनेता के तौर पर शामिल ना होने के बावजूद अपनी जिंदगी में एक ऐशो आराम की जिंदगी के लिए एक बेहतर बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। जी हाँ, बॉबी देओल आलिशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिल्मों की बदौलत कम, अपनी पत्नी तान्या देओल के सपोर्ट, प्यार और साथ ही साथ अपने कुछ फैसलों की वजह से जो उन्होंने अहम वक्त पर लिया, फिल्मों में नाकामी पाने पर बॉबी देओल ने और भी तमाम काम किए हैं फिल्म इंडस्ट्री से हटकर, ये सारी बातें आज आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल में। नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से इस प्रोग्राम को लेकर आई हूं मैं आपकी होस्ट बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या देओल की जिंदगी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके घर, उनकी जायदाद और उनकी लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराने के लिए। बॉबी की फिल्मी सफर से लेकर उनकी निजी जिंदगी और उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको ले चलेंगे हमारे खास रिपोर्ट की तरफ। देखिए जरा ये रिपोर्ट, जानिए बॉबी देओल की लग्जरियस लाइफस्टाइल आखिर कैसे तब्दील हुई सपनों से सच की दुनिया में। बॉबी देओल एक ऐसा नाम जिनके बारे में हर कोई जानता है, फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा जिसकी जिंदगी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से बढ़ी रही है, जिनकी जिंदगी में उनकी पत्नी की अलग ही जगह है। बॉबी देओल जिनकी फिल्मी करियर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही, बॉबी अब भी बॉलीवुड में संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल से भी ज्यादा जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री को उन्होंने दिया, उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने 3 से ज्यादा बड़ी हिट फिल्में नहीं, फिल्में तमाम की, लेकिन बड़ी फिल्मों की तलाश में उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद नाकामी ही बटोरी। इसके बावजूद बॉलीवुड में बॉबी देओल एक ऐसे एक्टर है जो सबके चहेते हैं, जिनके काम को हमेशा सराहा गया है। यही कारण है कि बॉबी देओल की जिंदगी काफी ज्यादा आलिशान मानी जाती है। बहुत ही ज्यादा आलिशान घर में बॉबी देओल की जिंदगी है और साथ में उनकी पत्नी भी काफी ज्यादा बड़ी हैसियत रखने वाली एक सेलिब्रिटी वाइफ कहलाती है। बॉबी देओल ने करोड़ों रुपए कमाए थे अपने काम के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री से हटकर भी उन्होंने काम किए हैं। ये राज आज खुलेगा तो वहीं से के साथ उनकी पत्नी तान्या की भी संपत्ति के बारे में, उनके पेशे के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले कई सालों तक लाइमलाइट से दूर रहने वाले बॉबी देओल एक जिंदगी में ऐसा दौर भी देख चुके हैं जब उन्हें फिल्म में काम करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, एक अच्छे स्क्रिप्ट का इंतजार करना पड़ता था। काफी लंबे समय तक खाली बैठे रहे बॉबी देओल, बॉलीवुड में अच्छी फिल्म की तलाश में रहे। आज उनकी फिल्म हाउसफुल 4 चर्चा में है क्योंकि दीपावली के मौके पर यह फिल्म बॉलीवुड में धमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें अक्षय कुमार और रितेश देशमुख उनके साथ। लेकिन बॉबी देओल जो कि लंबे समय बाद रेस 3 के जरिए कमबैक करते नजर आए, उन्हें अच्छी पॉपुलैरिटी तो मिल गई लेकिन बड़ी कामयाबी बतौर एक्टर अब तक नहीं मिल पाई। पोस्टर बॉयज से लेकर यमला पगला दीवाना फिर से, इन फिल्मों के जरिए बॉबी देओल अपनी करियर को उड़ान भरने के लिए मेहनत तो करते नजर आए लेकिन मेहनत रंग लाती नजर नहीं। ऐसे में बॉबी देओल की जिंदगी में उनकी पत्नी तान्या देओल ने अहम रोल प्ले किया, एक सच्ची हमसफर के तौर पर, सच्ची जीवन साथी के तौर पर। बॉबी देओल की पत्नी का नाम तान्या आहूजा है। बताना चाहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्मों की लाइमलाइट से दूर रहने वाली तान्या बॉबी देओल की बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि बिजनेस वुमेन है। बिजनेस के जरिए वो करोड़ों रुपए कमाती है। उनका खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेटर्स का द गुड अर्थ के नाम से बिजनेस भी है।
बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे तान्या देओल के कॉन्टेक्ट में हैं और उनके क्लाइंट हैं, आपको शायद मालूम ना। एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है तान्या, जिनके पिता देवेंद्र आहूजा 20th सेंचुरी फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको मालूम होना हो, लेकिन साल 1996 में बॉबी देओल की शादी तान्या के साथ हुई थी, जिसके बाद उनके दो बेटे आर्यमन और धर्म का जन्म हुआ। तान्या और बॉबी की लव स्टोरी भी दिलचस्प रही है, इसी कारण आज वो बहुत ज्यादा कामयाब सेलिब्रिटी कहलाते हैं। फिल्मों से हटकर उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है। बॉबी देओल ने अपने दोस्तों से एक बार बात की थी और इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के साथ जब वक्त गुजारा तो वहां पर तान्या पहुंची और उन्हें देखते ही बॉबी को प्यार हो गया। तान्या को उन्होंने प्रपोज किया, फोन किया, जिसके बाद दोनों ही मुलाकात और डेटिंग के जरिए एक दूसरे के करीब आए। परिवार वालों से मुलाकात हुई और धर्मेंद्र को तान्या इतनी पसंद आई कि दोनों ने चट मंगनी पट ब्याह करने के लिए अपने परिवार वालों को मना ही किया। तान्या घर और बिजनेस अच्छे तरह से संभालती है, ये सभी जानते हैं, और इसलिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के स्टोर में तान्या की डिजाइन की तमाम एक्सेसरीज देखी गई है, ये कहा जाता है। लेकिन बॉबी देओल की करियर जब गिरावट पड़ती तब उन्होंने रेस्तरा और बैंकेट हॉल खोलने का फैसला लिया था और यही उनकी जिंदगी की सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था। हॉल की अगर बात की जाए तो कैपेसिटी 2000 लोगों की मानी जाती है, जो कि बॉबी देओल का खुद का बैंकेट हॉल। सनी देओल के बेटे करण के साथ बॉबी को फिल्मों में लाने की मदद के बारे में तमाम चर्चा रही है सनी देओल की तरफ से, लेकिन इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। 4 साल तक खाली बैठने वाले बॉबी देओल की करियर की बात हो रही है तो अभी वो अपनी करियर में आगे बढ़ रहे हैं तेजी से हाउसफुल 4 के जरिए। वहीं सलमान खान ने उन्हें अपनी करियर को उड़ाने के लिए रेस 3 का सहारा दिया, जिसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं बड़ी पहचान फिर से बॉलीवुड में मिल गई। 23 साल से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं बॉबी देओल को आखिरकार फिल्मों के जरिए कमाने का मौका मिल ही गया, जिसके बाद वो करोड़ों की कमाई फिर से शुरू कर चुके हैं। 3 ही ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले बॉबी देओल ने तमाम बड़ी हिट फिल्में की, लेकिन तमाम फिल्मों में उनके एक्टिंग को तो पसंद किया गया लेकिन खास रंग बॉलीवुड में नहीं ला पाए। अगर बात की जाए बॉबी देओल के घर बार और उनके संपत्ति की ही तो आपको ये भी बताना चाहेंगे, पत्नी की करोड़ों की संपत्ति के अलावा बॉबी देओल के पास अपना एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम सम प्लेस एल्स। 2 चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसका नाम इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। साल 2006 में उस रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई, तो वहीं एक रेस्टोरेंट का नाम सुहाना है, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो बॉबी देओल का खुद का है। बिल्कुल हाई क्लास रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं। बॉबी के पास 3 लग्जरियस कार है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उनके पास अपने खुद की 205 करोड़ की संपत्ति है, ये भी कहा जाता है। बॉबी देओल फिल्मों के बिना कभी भी अपनी जिंदगी को सिंपल वे से नहीं गुजारते थे, वालिशान जिंदगी हमेशा से गुजारते थे। साल 2002 के बाद बड़ी हिट फिल्मों के इंतजार में बॉबी देओल ने काफी मेहनत, काफी इंतजार किया। आज 8 करोड़ के घर में रहने वाले बॉबी देओल मुंबई के जुहू में लग्जरियस घर में लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं। पंजाब में उनके पास एक फार्म हाउस भी है, ये भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ऐसे अगर बात जब यहाँ बॉबी देओल की हो रही है तो उनके बारे में ये भी बता दें कैसे उन्होंने बॉलीवुड में बड़ी पहचान बनाई। फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद बॉलीवुड में बॉबी देओल की तमाम फिल्मों को पसंद किया जाता है, जिनमें से एक गुप्त है। साल 1997 में आई फिल्म काजल और मनीषा कोराला इसमें लीड में थी। साल 1998 में सोल्जर फिल्म में बॉबी देओल प्रीति जिंटा के साथ काफी पसंद किए गए। तो वहीं बॉबी देओल ने 7 फिल्मों में काम तो किया 5 साल के अंदर, लेकिन सारे के सारे फ्लॉप हो गए थे, जिसके बाद बॉबी देओल साल 2002 में हमराज फिल्म में नजर आए और वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में अमीषा पटेल के साथ उनका कैरेक्टर काफी पसंद किया गया था, पॉजिटिव रोल था उनका, जिसके बाद वो लगातार फिल्मों से दूर रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल उनकी पत्नी तान्या देओल को लेकर। तान्या भले ही फिल्मों के स्क्रीन पर नजर ना आई हो लेकिन फिल्में स्क्रीन की अभिनेताओं सितारों के साथ उनका काम हमेशा ही चलता रहता है। गौरी खान की भी चहेती है, ट्विंकल खन्ना की भी चहेती है। तान्या देओल बॉलीवुड की एक ऐसी स्टार वाइफ है जो कि सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है। ऐसा भी कहा जाता है कि बॉबी देओल से ज्यादा कभी एक समय में तान्या देओल ज्यादा पैसों की मालकिन हुआ करती थी। आज बॉबी देओल ने
तमाम फिल्मों की बदौलत करोड़ों रुपए तो अर्ज लिए, लेकिन तानिया ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बदौलत, अपने पिता के सपोर्ट की बदौलत और साथ ही साथ में नॉन फिल्मी इंडस्ट्री से हटकर अलग काम करने को लेकर, बिजनेस में काम करने को लेकर, अपने प्रोफेशन में काम करने को लेकर तारीफ लुटती रही, और यही कारण है कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने में भी कामयाब रही। वेल, ये था हमारा आज का शो बॉबी देओल को लेकर। यही अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे जल्द आपके बीच तमाम सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।